कोशिश है कि शाहीन को मैं साइड पे रखूं कप्तानी से, क्योंकि मैंने कप्तानी की है, मोहम्मद यूसुफ ने कप्तानी की, हम सब लड़कों ने कप्तानी की है। कप्तानी की एंडिंग कभी ठीक रही नहीं है, सारा कुछ। और ये बाबर के साथ जो होना था ना, ये मुझे पता था, हमें पता था कि ये होना आखिर में कप्तान के ऊपर ही होता है सारा कुछ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा, बातें हो रही थी क्रिकेट की कि कप्तानी का पूछा, मैंने कहा जी ये पहली बात है कि बाबर को तो अभी चेंज ना करें, उसको टेस्ट में कंटिन्यू रखें आप, कोई मसला नहीं है। आपको अगर लेके आना भी है व्हाइट बॉल के लिए तो आप मोहम्मद रिजवान, आप लोगों ने मोहम्मद रिजवान का हमेशा मेरे मुंह से जोर के जोर में बोला था, ठीक है। इसके बाद फिर मुझे चेयरमैन साहब ने बुलाया, चेयरमैन साहब ने मेरी राय ली कप्तानी के बारे में, मैंने कहा जी बाबर को ना हटाएं, उसको रेड बॉल पे चलने दें, खेलने दें उसको, आप मोहम्मद रिजवान को लेके आए। लेकिन मेरे ख्याल में ये डिसीजन मोहम्मद हफीज, मैं कहूंगा मोहम्मद हफीज का डिसीजन है चेयरमैन के साथ मिलके, ये शाहीन का जो डिसीजन है, ऑनेस्टली मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं इन चीजों में पढ़ू ना, मुझे पता है कि ये रिश्ता मेरा और शाहीन का ऐसा है ना कि लोग समझेंगे कि ये शाहिद सपोर्ट कर रहा है या लॉबिंग कर रहा है। मैं हल्फिया कहता हूँ, मैं इन चीजों में ना पढ़ता हूँ ना मुझे शौक है।